यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे जो भी वीडियोज अपलोड होती हैं। ओके, यदि आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो आप बिना बैंक गए हुए और बिना इंटरनेट का आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। बिना स्मार्ट, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है जिसमें इंटरनेट नहीं चलता है, यदि है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं चलता है तो आप उसके बावजूद भी आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे चेक करना है। ओके दोस्तों, क्योंकि आजकल बहुत काफ़ी एरिया है जहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है लेकिन वहाँ पे बैंक का बैलेंस चेक करने में लोगों को दिक्कत आ रही है, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आप कैसे बिना इंटरनेट का, बिना स्मार्टफोन का बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रूफ के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हम लोग प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप पढ़ भी सकते हैं। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जो बैंक अकाउंट ओपन करते टाइम पे सेविंग अकाउंट में आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर को पहले बैंक के साथ में रजिस्टर करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर से जो रजिस्टर्ड नंबर है बैंक अकाउंट में उस नंबर से REG, ठीक है, REG कैपिटल में लिखना है, REG ये, ठीक है जी, कैपिटल में लिखना है REG और उसके बाद लिखना है आपको अकाउंट नंबर। REG डालने के बाद स्पेस डालना है, उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना है और उसको सेंड कर देना है इस नंबर पे 9223488888, ठीक है। आपको क्या लिखना है, REG कैपिटल में लिखना है, REG स्पेस डालना है, अकाउंट नंबर लिखना है, उसको भेज देना 9234 और 5 times 8, मतलब 5 बार 8 है, 9234888888। ओके, उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ इस टाइप से, उसके बाद आपको रजिस्टर मोबाइल से जैसे आप मैसेज सेंड करेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है, जो सक्सेसफुल हुआ या नहीं सक्सेसफुल हुआ। यदि सक्सेसफुल हो गया तो आप तुरंत सर्विस को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, यदि अनसक्सेसफुल हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, सही से आपको लिखना है REG कैपिटल में लिखना है, उसके बाद स्पेस डालने हैं, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है और उसको भेज देना है 9224488888 पे, ठीक है, हिंदी में भी बता दिए। अब देखो यहाँ से कैसे, इस तरह से आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपको क्या करने हैं, सपोज करो उसके बाद आपको बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, चेकबुक का रिक्वेस्ट दे सकते हैं, आप चेकबुक मंगा सकते हैं घर बैठे, ई स्टेटमेंट, जैसे मान लो आपको लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट चेक करना है तो आप 6 मंथ का स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं मोबाइल से मैसेज के थ्रू। आपने एजुकेशनल लोन लिया हुआ है तो एजुकेशनल लोन का आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हैं। ओके, होम लोन लिया है तो होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप सिर्फ एक मोबाइल पे ही, एक मैसेज मोबाइल पे ही, बिना इंटरनेट का, बिना स्मार्टफोन का, बिना कोई ऐप इस्तेमाल किए हुए आप बैलेंस चेक करने के लिए सीख सकते हैं। अब देखिए हम बताएंगे आपको बैलेंस यदि चेक करना है तो कैसे करेंगे। ओके, देखो इसमें सबसे पहले आपको बैलेंस चेक करना है तो जो नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है, आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर ली फर्स्ट टाइम, तो आपको क्या करने हैं, मैसेज बैलेंस चेक करने के लिए आपको अपने रजिस्टर मोबाइल से मैसेज सेंड करना पड़ेगा। क्या मैसेज सेंड करना पड़ेगा, कैपिटल में लिखना है BAL, बैलेंस का शॉर्ट में लिखना है, कैपिटल में BAL, उसको लिख के सेंड कर देना है 9234 5 times 6, ठीक है, क्या लिखना है ना, BAL ये लिखना है, इसके बाद इसको सेंड कर देना है 9234 5 बार 6 है, ठीक है, 9227366666 पे। ओके, तो यहाँ से जैसे आप मैसेज सेंड करेंगे तो आपको बैलेंस इंक्वायरी का, बैलेंस आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो मैसेज आ जाएगा उस पर, ठीक है। इस तरह से आपने बैलेंस चेक करना सीख लिया। उसके बाद आपको सपोज करो मिनी स्टेटमेंट मंगाना है, लास्ट 5 ट्रांजैक्शन आपने कहाँ कहाँ यूज किया हुआ है, ठीक है, कहाँ कहाँ आप अकाउंट से पैसा कटा है, लास्ट 5 ट्रांजैक्शन आपको मंगाना है, तो कैसे मंगाएंगे आप, उसके लिए आपको
उसी रजिस्टर मोबाइल नंबर से क्या लिखना है, मिनी स्टेट एम एस टी एम टी। ओके दोस्तों, आपको लिखना है एम एस टी एम टी, एम एस टी एम टी कैपिटल में लिखना है, और इसको सेंड कर देना है 9223866666। ओके एम एस टी एम टी 9228386666 पे। तो जैसे आप ये एम एस टी एम टी लिख के सेंड करेंगे 9228386666 पे, तो आपको लास्ट 5 ट्रांजैक्शन का डिटेल आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। इसमें देखो आपको नॉर्मल मैसेज सेंड करना है और आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं कटने वाला है यहाँ पे, ठीक है, कुछ पैसे ही कटेंगे और बैलेंस आपके अकाउंट पे आ जाएगा। यदि अनलिमिटेड वाला है तो आपको चार्ज नहीं कटेगा। उसके बाद देखो आपको चेकबुक रिक्वेस्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, बिल्कुल फ्री। तो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर से सेंड करना है CHQREQ चेक रिक्वेस्ट, ठीक है, चेकबुक रिक्वेस्ट के लिए CHQREQ कैपिटल में लिखना है CHQREQ, इसको सेंड कर देना है 9223588888 पे, ठीक है जी, CHQREQ 9225588888 पे। तो जैसे आप ये लिख के सेंड करेंगे तो आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा जो आपका चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट ले लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट यदि आपको चाहिए, ठीक है, तो आप कैसे लेंगे, कैसे चेक करेंगे, आपको क्या लिखना है EST, ठीक है जी, ESTMT स्पेस डालना है, अकाउंट नंबर लिखना है, ओके, उसके बाद स्पेस लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको कोड लिखना है और उसको सेंड कर देना है 9223588888 पे, ओके। ओके ये इस तरह से SMS करके आप ये स्टेटमेंट भी मंगा सकते हैं एजुकेशनल लोन के लिए, तो एजुकेशनल लोन का भी इसमें आप इस तरह से मैसेज करके इस वीडियो को आप देख लेना, एजुकेशनल लोन से चाहिए तो कैसे कर सकते हैं, होम लोन का चाहिए तो डिटेल चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो में बेसिकली हमने आपको बैलेंस चेक करने से लेके ई स्टेटमेंट मिनी स्टेटमेंट सारा चीज़ प्रूफ के साथ में हमने बता दिया आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी बिना इंटरनेट का, बिना स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन मीन इन द सेंस उसमें इंटरनेट नहीं चलता हो, आपके पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल सिर्फ एक मैसेज पे कुछ सेकंड में ही आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप अर्लीवुड चैनल को, ताकि आपको ढेर सारी जानकारी यहाँ पर सीखने के लिए मिल सके। ओके तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप चेक करते रहना, यहाँ पे आपको बैंक से रिलेटेड, बैलेंस चेक करने से रिलेटेड, पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी आपको सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में बता देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।